नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने नेक्स्ट टू फेसेस देख रहे हैं, टेम्पल फेसेस। टेम्पल फेसेस के लिए आप कोई भी एक फेस, फॉर एग्जांपल ये फेस मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इनसे डिफरेंट ये फेस सेलेक्ट हो जाता है, एंड देन एंटर आप प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कोई भी एक बेस पॉइंट वो पूछता है, अगर ये फेस इस साइड पे है तो आप एक, आपको एक डाउनवर्ड एक ग्राउंड पे बेस पॉइंट देना है, एंड देन इस फेस के स्ट्रेट जेड एक्सिस पे आपको एक बेस पॉइंट देना है। ये मैंने दिया और 30 डिग्री एंटर करी, 30, 45, 60 जितने भी डिग्री पे कट करना है, टेपर करना है, वो डिग्री आप टाइप करिए, एंड देन एंटर प्रेस करिए। अगेन एंटर अगर आप चाहते हैं कि ये फिक्स है, ये कन्फर्म्ड है, तो अगेन आप एंटर प्रेस करिए, अगेन एंटर प्रेस करिए कन्फर्म करने के लिए, एग्जिट करने के लिए कमांड को। आप देखेंगे 30 डिग्री पे ये आपका टैपर हो चुका है। अगेन आप चाहें तो अगेन इसे टैपर कर सकते हैं। फिर से मैं टैपर यूज़ करती हूँ, कोई भी फेस सेलेक्ट करती हूँ, एंटर करती हूँ 45 डिग्री या 60 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल मैंने 60 डिग्री टाइप किया, एंड देन एंटर प्रेस किया। कोई भी एक अगेन हम देखते हैं, टैपर मैंने किया, टैपर फेस मैंने क्लिक किया, एंटर किया मैंने, कोई भी एक बेस पॉइंट आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये बेस पॉइंट लिया, जेड एक्सिस पे ही आपको बेस पॉइंट लेना है, एंड देन टैपर एंगल फॉर एग्जांपल मैंने 60 लिया, एंड देन एंटर प्रेस करिए, अगेन एंटर, तो आप देखेंगे 60 डिग्री पे ये कट हो गया। आप देखिए 60 डिग्री ये कट किया है उसने, 60 डिग्री पे एग्जैक्ट 90 से 60 डिग्री पे, और इसे आप देखेंगे ये कम है, जस्ट हाफ ये कट है, एंड इससे जस्ट डबल ये कट है, देखेंगे डिग्री ये कट सबको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो नॉर्मल वे पे कटिंग करना या चैम्फर करना पॉसिबल ना हो, तो उस सेक्शन में हम टैपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन मूव फेसेस। मूव फेसेस इट मीन्स अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर फेस पे मूव करते हैं तो ऑफकोर्स वो एक्सट्रूड ही होगा, तो ये ऑप्शन हम देखते हैं। मूव फेसेस पे क्लिक करिए, कोई भी एक फेस आप सेलेक्ट करिए, प्रेस एंटर करिए, देन स्पेसिफाई कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, एंड देन यहाँ पे यहाँ तक मुझे मूव करना है उस फेस को, तो मैंने यहाँ तक उसे मूव किया, एंड देन एंटर। एंटर ऑफकोर्स कि आप जब ये तो सिंपल सा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के फेस को अगर मूव करते हैं तो डेफिनेटली वो मूव होगा, तो उसकी साइज बढ़ेगी, इट मीन्स वो एक्सट्रूड होगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट आप कॉपी फेसेस पे देखते हैं, तो इस कंडीशन में दूसरी चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये फेस को सेलेक्ट किया, एंड देन एंटर प्रेस किया, कोई भी एक बेस पॉइंट है ले लीजिए, एंड देन आपको कॉपी कहाँ निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ कॉपी निकालना है, एंड देन एंटर, एंड देन एंटर, तो हम देखेंगे ये कॉपी करके मैंने निकाल लिया उस फेस को, पर ये सॉलिड नहीं, सिर्फ उस फेस को उसने कॉपी किया है, सिर्फ उस फेस को कॉपी करके उसने बाहर निकाला। नेक्स्ट ऑप्शन पे इसी पे आप देखिए ऑफसेट फेसेस, इट मीन्स आपने कोई भी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ये फेस मैंने सेलेक्ट किया, आप अगेन एंटर प्रेस करिए, कोई भी एक ऑफसेट डिस्टेंस दीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑफसेट डिस्टेंस दिया, ठीक है। आप देखेंगे ऑफसेट डिस्टेंस जब आप देखते हैं तो वो फेस उतना बढ़ जाता है, एंटर करेंगे अगेन एंटर, ये भी एक एक्सट्रूशन है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे कोई भी फेस अगर आप डिलीट करेंगे तो ऑफकोर्स रोटेट फेस पे, अगर कोई भी एक फॉर एग्जांपल मैंने ये अगेन फेस सेलेक्ट किया, एंटर किया, एक नॉर्मल एक्सिस पॉइंट ले लेते हैं, स्पेसिफाई कोई भी एक एक्सिस पॉइंट और रोटेशन एक्सिस, इट मीन्स कोई भी एक एक्सिस में, फॉर एग्जांपल जेड एक्सिस पे मैंने किया, एंड देन एक 30 डिग्री का मैं एक एंगल रोटेशन एंगल लेती हूँ, एंटर किया मैंने, एंटर किया, अगेन एंटर। अब देखेंगे 30 डिग्री पे ये रोटेट कर चुका है, जेड एक्सिस पे 30 डिग्री पे इसने रोटेट किया, तो ये बढ़ जाता है ये फेस, अगर 30 अपने एंगल से 30 डिग्री रोटेट करेगा तो ऑफकोर्स ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कलर फेसेस, कोई भी एक फेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस करिए, जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपको कलर ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी एक ब्राइट कलर आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू कलर दिया और ये लिया, एंड एंटर, एंड एंटर, ये आपको कलर मिल जाता है इस फेस पे, आप देखेंगे ये आपका फेस, बाकी सब नॉर्मल कलर्स पे, ये इस फेस पर ब्लू कलर हो गया। इस तरह से हमने आपके सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे शेल ऑप्शन है, शेल ऑप्शन के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लीन ऑब्जेक्ट है, चेक है, सेपरेट है, सेपरेट भी जस्ट लाइक डिवीजन के लिए, तो हम इसके लिए